ये कहानी है एक मासूम लड़की की जिसके साथ कुछ दरिंदे बहुत ही बेरहमी के साथ बलात्कार करते हैं, लेकिन पाप कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए जैसी दरिंदगी इन लोगों ने दिखाई होती है, इनके साथ उससे बड़ी दरिंदगी होती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं। जेनिफर एक राइटर है और अभी वो एक नॉवेल लिख रही है, इसीलिए वो अपने घर न्यूयॉर्क से दूर आई हुई है और वो एक वीराने में रहना चाहती है ताकि वो अपनी किताब पे फोकस कर सके और अपने किताब में ज्यादा खूबसूरती डाल सके। इसीलिए अभी वो लुसियाना शहर में आई हुई है और यहाँ पे उसने एक छोटा सा घर किराए पे लिया है। इसीलिए आते ही वो जाती है उस घर के मालिक के पास और इस घर के मालिक का नाम है अर्ल। फिर वो अर्ल से बातें करती है और अर्ल उसे चाबी दे देता है उसके घर की, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन घर आने से पहले वो रुकती है गैस स्टेशन पे और वहाँ से अपने गाड़ी में गैस डलवाने लगती है। तभी हम यहाँ के इंचार्ज को देखते हैं जिसका नाम है जॉनी, और वही इस गैस स्टेशन को चलाता है। और वो जैसे ही जेनिफर को देखता है वो उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता जेनिफर उसे हिदायत देती है और जॉनी को यहाँ पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और जेनिफर यहाँ से निकल जाती है और पहुँचती है अपने नए घर के पास। और हम देखते हैं कि ये घर शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है और उसके साथ साथ जंगलों के बीचों बीच है। लेकिन अब जेनिफर अपने आप को इस घर में सेटल करने लगती है और वो जैसे ही चीजों को ठीक कर लेती है वो अपने राइटिंग को शुरू कर देती है। और ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। और रात में जब जेनिफर फोन पे बात कर रही होती है तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती है और उसे पता लगता है कि थोड़ी ही दूरी पे एक झोपड़ी है। इसीलिए वो उस झोपड़ी के पास जाती है देखने के लिए कि आखिर क्या आवाज आ रही है। लेकिन जब वो उस झोपड़ी के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता और वो देखती है कि इस घर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स पड़े हुए हैं। इसीलिए जेनिफर वहाँ से निकल जाती है और चली आती है अपने घर में वापस और अपने कपड़े उतार करके उन्हें धोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोई जेनिफर की वीडियो बना रहा है, जब जेनिफर ने अपने आधे कपड़े पहने हुए हैं। और हमें पता लगता है कि यहाँ पे जेनिफर पे कोई नजर रख रहा है। तभी सुबह हो जाती है और सुबह सुबह जेनिफर निकलती है वॉक पे। तभी उसे वहाँ पे एक और झोपड़ी नजर आती है और जब वो उसके अंदर जाती है तब वो देखती है कि ये झोपड़ी बहुत सालों से वीरान पड़ी है, इसीलिए वापस चली आती है। लेकिन घर आते ही जब वो अपने नल को खोलती है तब वो देखती है कि इसके अंदर से गंदा पानी आ रहा है, इसीलिए वो परेशान हो जाती है और वो तुरंत अर्ल को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि वो जल्दी से किसी को भेज दे नल को ठीक करने के लिए। तभी हम यहाँ पे एक मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं जो एक प्लम्बर है और वो आते ही पाइप को ठीक कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद जेनिफर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो मैथ्यू को किस कर लेती है खुशी में। और मैथ्यू समझ नहीं पाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। मैथ्यू की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो हकलाता भी है। इसीलिए मैथ्यू खुशी में पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और हम यहाँ पे जॉनी को भी देखते हैं। और मैथ्यू पूरी बात बताने लगता है अपने दोस्तों कि कैसे जेनिफर ने उसे किस किया। तभी यहाँ पे हम स्टेनली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपना कैमरा निकालता है और वो जेनिफर की वीडियो दिखाता है। और हमें पता लगता है कि वही जेनिफर की वीडियो बना रहा था। और वो मैथ्यू से पूछता है कि क्या तुम इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। और मैथ्यू कहता है कि हाँ। तभी जॉनी पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी बेइज्जती की थी। इसलिए वो कहता है कि हमें इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा, वो हमारे शहर में आकर के हमारे साथ नहीं खेल सकती। तभी हम जेनिफर को देखते हैं और जब वो रात में काम कर रही होती है तभी उसे बाहर कुछ टूटने की आवाज आती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है वो देखती है कि बाहर कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने घर के अंदर चली आती है, लेकिन अंदर आते ही वो चार लोगों को देखती है और ये चारों मैथ्यू के दोस्त हैं। इसीलिए अभी इन्हें देखने के बाद जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे हम एंडी नाम के भी एक आदमी को देखते हैं और वो भी मैथ्यू का दोस्त है। इसीलिए अब जॉनी और एंडी दोनों छेड़छाड़ करने लगते हैं जेनिफर के साथ और जॉनी यहाँ पे मैथ्यू को भी कहता है, लेकिन मैथ्यू मना करने लगता है। लेकिन अब जॉनी गलत तरीके से छूने लगता है जेनिफर को और वो इसके साथ मजाक कर रहे होते हैं और वो जेनिफर से अजीबोगरीब हरकतें करवाते हैं। और अब इनकी बदतमीजी ऐसे ही बढ़ने लगती है और जॉनी जेनिफर के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने लगता है और ऐसा लगता है कि अब वो उसका बलात्कार करने वाला है। तब जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो घर से बाहर भागने लगती है और वो जंगलों में भागते भागते पहुंचती है बहुत दूर। तभी उसे यहाँ का शेरिफ मिलता है जिसका नाम है स्टोर्च। फिर वो स्टोर्च को पूरी बात बताती है। तब स्टोर्च कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ चलो। फिर वो जेनिफर को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वापस आता है जेनिफर के घर पे। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन उसे यहाँ पे ड्रग्स पड़ा हुआ नजर आता है और बहुत सारी शराब की बोतलें। इसीलिए वो जेनिफर को ही डांटने लगता है और कहता है कि तुम एक नशेड़ी लड़की हो और तुमने जानबूझ के ये सब कहानी बनाई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन जेनिफर कहती है कि ये ड्रग्स उनका ही है और ये शराब की बोतल भी। लेकिन स्टोर्च यहाँ पे जेनिफर की बात नहीं मानता और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। और उसके बाद वो जेनिफर को बहुत ही गलत तरीके से छूने लगता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी छूता है। तभी यहाँ पे ये चारों चले आते हैं और हमें पता लगता है कि स्टोर्च भी इनके साथ मिला हुआ है। इसीलिए अब स्टोर्च कपड़े फाड़ देता है जेनिफर के और ये लोग मैथ्यू को कहते हैं कि तुम इसका बलात्कार करो, लेकिन मैथ्यू मना करता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो जेनिफर को बिना कपड़ों को देखता है तब वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो जेनिफर का बलात्कार कर देता है। और स्टेनली इन सारी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है और सब यहाँ पे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो जेनिफर के साथ क्या दरिंदगी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जेनिफर को एहसास होता है कि वो सब लोग अपने आप में खोए हुए हैं तभी जेनिफर उठ करके खड़ी हो जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा घायल है। फिर भी वो यहाँ से भाग रही है और वो जंगलों से होकर के भाग रही होती है, लेकिन ये सब लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और ये एक बार फिर से उसका बलात्कार करने लगते हैं। और इस बार ये लोग और भी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं और बारी बारी से ये सब लोग उसका बलात्कार करते हैं और जेनिफर पूरे तरीके से घायल हो जाती है।
लेकिन वो फिर से उठ के खड़ी हो जाती है और फिर से यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इन्हें इसमें मजा आ रहा होता है, इसीलिए वो जेनिफर की वीडियो बना रहे होते हैं और उसके पीछे पीछे ये भी भाग रहे होते हैं। तभी जेनिफर पहुंचती है एक नदी के पास, फिर स्टोर से अपनी बंदूक उठा लेता है ताकि वो जेनिफर को मार दे। तभी जेनिफर नदी में कूद जाती है और इस चीज को देखने के बाद अब स्टोर्च बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और वो सारे लोगों को कहता है कि जेनिफर को ढूंढो, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गई और वो पुलिस वालों तक पहुंच गई तो हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए अभी सारे लोग उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तब सबको लगता है कि वो पानी में डूब करके मर गई और शायद उसकी लाश यहाँ से बह करके दूर चली गई। और सब लोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, लेकिन स्टोर्च बिल्कुल भी शांत नहीं होता और वो कहता है कि अगर वो मर गई तब मुझे उसकी लाश ढूंढ करके दो और तुम लोग हर रोज उसकी लाश को ढूंढोगे। और इतना कहने के बाद वो एंडी को कहता है कि उसके घर जाओ और उसकी जितनी भी चीजें हैं सबको जला करके राख कर दो ताकि किसी को कुछ भी ना मिले। और उसके साथ साथ वो इस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देता है जिससे ये लोग वीडियो बना रहे थे। और फिर वो जेनिफर के घर की चाबी लेता है और अर्ल को ले जा करके लौटा देता है और कहता है कि जेनिफर ये शहर छोड़ करके भाग गई। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और सारे लोग अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस आने लगते हैं और उस हादसे को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैथ्यू अभी भी उस हादसे को नहीं भूला है और उसे बार बार उसी हादसे का ख्याल आता है और वो अपने आप को कोसता रहता है और उसे बार बार जेनिफर नजर भी आती है जिससे वो पागल होने लगता है। तभी हम अर्ल को देखते हैं जो कॉल करता है स्टोर्च को और कहता है कि एक आदमी आया है न्यूयॉर्क से और वो जेनिफर को ढूंढ रहा है। तब इस बात को सुनने के बाद स्टोर्च कहता है कि मैं कल उस आदमी से मिलूंगा। तभी हम स्टेनली को देखते हैं जो भागता हुआ आता है जॉनी और एंडी के पास और कहता है कि उसने उस कैमरे को बचा करके रखा था जिसमें उसने वीडियो बनाई थी, लेकिन अब किसी ने उस कैमरे को चुरा लिया है। इसीलिए इस बात को सुनने के बाद ये लोग परेशान होने लगते हैं। तभी रात में जब जॉनी अपने घर पे होता है फिर उसका दरवाजा बजता है और जब वो जैसे ही दरवाजे पे आता है तब उसे वहाँ पे जेनिफर की चप्पल मिलती है और वो इस चीज को देख करके परेशान हो जाता है। तभी स्टोर्च के घर पे एक पार्सल आता है और जब वो उसे खोलता है तब उसे अंदर वही टेप मिलता है जिसे इन लोगों ने बलात्कार करते समय बनाया था। इसीलिए अब स्टोर्च बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि कोई उसे ब्लैकमेल करना चाहता है। फिर वो गुस्से में पहुंचता है बाकी लोगों के पास और एक एक करके सारे लोग बताने लगते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और सब एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। और स्टोर्च यहाँ पे अपनी बंदूक भी निकाल लेता है। तब सब लोग कहते हैं कि शायद ये मैथ्यू कर रहा है क्योंकि उस हादसे के बाद वो पागल हो चुका है। तब स्टोर्च कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी से मैथ्यू को ढूंढो और रात तक उसे लेकर के मेरे पास आओ। और अब सारे लोग मैथ्यू को ढूंढने लगते हैं। तभी हम स्टोर्च को देखते हैं जो अर्ल को लेकर के जाता है जंगल में क्योंकि उसे अर्ल पर भी शक है क्योंकि उसने भी जेनिफर को देखा है और इनके अलावा वही जानता है कि जेनिफर यहाँ पे आई थी। इसीलिए स्टोर्च अब यहाँ पे अर्ल को मार देता है। तभी हम मैथ्यू को देखते हैं और मैथ्यू जैसे ही अपने घर जाता है उसे वहाँ पे जेनिफर मिलती है। तब वो जेनिफर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो अपने पाप के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सिर्फ माफी काफी नहीं है, इसीलिए वो उसे बांध देती है। तभी हम एंडी और स्टैनली को देखते हैं और वो हर जगह मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक पुराने घर के पास जाते हैं तभी उन्हें जेनिफर नजर आती है। और अभी ये लोग कुछ करते तभी स्टेनली का पैर फंस जाता है एक बियर ट्रैप में और जैसे ही एंडी उसे छुड़ाने आता है जेनिफर उसके सर पे डंडा मार देती है और वो भी बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। लेकिन स्टेनली को जैसे ही होश आता है वो अपने आप को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है और अब जेनिफर इन्हें बहुत ही घिनौनी मौत देना चाहती है, इसीलिए वो स्टेनली की आंखों में बंसी लगा देती है ताकि उसकी पुतलियां बंद ना हो। और फिर वो उसके पूरे शरीर पे एक केमिकल लगा देती है जिससे कि यहाँ के सारे पक्षी इधर ही आ जाए। और फिर वो यहाँ पे कैमरा रखती है कि वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके जैसे स्टेनली ने सारी चीजों को रिकॉर्ड करा था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे पक्षी आने लगते हैं और उसके शरीर के एक एक अंग को खाने लगते हैं और वो एक एक करके उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं और स्टेनली की यहाँ पे बहुत ही घिनौनी मौत होती है। तभी हम एंडी को देखते हैं जिसे जेनिफर लेकर के जाती है एक बाथ टब में और उसने बाथ टब में पहले से ही एसिड डाल रखा है, इसीलिए वो जैसे ही एंडी का सर उसमें डालती है उसका पूरा का पूरा चेहरा पिघल जाता है और एंडी की भी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। तब जेनिफर पहुंचती है गैस स्टेशन और जैसे ही जॉनी बाहर आता है वो उसके सर पे भी डंडा मारती है और जॉनी भी बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को एक वीरान घर में पाता है और जेनिफर ने उसे बांध रखा है। फिर एक एक करके जेनिफर उसके सारे दांत बाहर निकालती है और तब वो उसके मुंह के अंदर बंदूक डालती है जैसा उसने उसके मुंह के अंदर डाला था और वो बंदूक को अंदर बाहर करने लगती है जिसे जॉनी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर जेनिफर एक कैंची निकालती है और वो जॉनी के लिंग को काट देती है और उसके शरीर के अंगों को भी काटने लगती है और जॉनी यहाँ पे तड़प तड़प के मरता है। फिर जेनिफर पहुंचती है स्टोर्च के घर पे और वो उसकी पत्नी से बात करने लगती है और उसकी पत्नी जेनिफर को अपनी बेटी का टीचर बना देती है। फिर वो स्टोर्च को कॉल करती है और उसे बताती है कि उनकी बेटी के लिए उन्हें टीचर मिल गई। तब स्टोर्च उस टीचर से बात करने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर जैसे ही उससे बात करती है स्टोर्च को पता लग जाता है कि ये वही लड़की है, इसीलिए स्टोर्च अब भौचक्का रह जाता है और वो भागता हुआ पहुंचता है अपने घर और वो जेनिफर के बारे में पूछता है। तब उसकी पत्नी बताती है कि वो हमारी बेटी को पार्क में घुमाने लेकर के गई है, इसीलिए अब स्टोर्च भागता हुआ पहुंचता है पार्क में और वो चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। तब वो अपनी गाड़ी में वापस आकर के बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर इसी गाड़ी के अंदर है
और अब वो स्टोर्ज के सर पे वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर जैसे ही स्टोर्ज की आंख खुलती है वो अपने आप को एक वीरान घर में पाता है और हम देखते हैं कि जेनिफर ने यहाँ पे स्टोर्ज के बंदूक को उसी के पिछवाड़े के अंदर डाल दिया है जिस बंदूक से उसने कभी जेनिफर को परेशान किया था। तब इन सारी चीजों को देख करके स्टोर्ज कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही मासूम है और वो बेगुनाह है, उसे कुछ मत करना। तब जेनिफर कहती है कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैंने भी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैं भी बहुत मासूम थी, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे साथ ऐसी हैवानियत की। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे एक जाल बनाती है और जो बंदूक स्टोर्ज के पिछवाड़े में है वो उसके ट्रिगर पे एक रस्सी लगाती है और उस रस्सी को ले जाकर के बांध देती है मैथ्यू के हाथ से कि जैसे ही मैथ्यू हिले डुले उस बंदूक से गोली चल जाए और मैथ्यू बेहोश होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैथ्यू को होश आता है वो अपना हाथ हिलाता है और गोली चल जाती है और वो गोली स्टोर्ज के पिछवाड़े में चलती है लेकिन वो उसके मुंह से बाहर आ जाती है और गोली जाकर के लगती है मैथ्यू के छाती में। इसीलिए इन दोनों की मौत हो जाती है और जेनिफर बाहर ही बैठी होती है और जब वो इस गोली की आवाज सुनती है तब उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है और वो खुश होती है कि उसने अपने सारे दरिंदों से बदला ले लिया और उसने उन सबको बहुत ही भयानक मौत दी है। जैसा दर्द उसने झेला था उससे कई गुना बड़ा दर्द इसने उन लोगों को दिया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।